दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मार्केट में मिलते हैं ना कुलचे वाले छोले, जी हाँ वही आज छोले हम घर पे बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और आप एक बार इसको इस तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपको मार्केट वाला टेस्ट आने वाला है। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बढ़िया ये छोले हम बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही जल्दी बनके ये तैयार होते हैं। सिर्फ 5 मिनट में हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाती है और स्वाद इसका आप कभी नहीं भूल पाएंगे। एक बार आप इसको बनाएंगे बच्चे भी दीवाने हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, चटपटी रसोई की कभी कमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है, ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं मजे की रेसिपी बनाना। तो छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी छोले लिए हैं और इसको मैंने ओवरनाइट के लिए टिप करके छोड़ दिया था। तो ये हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इनको बॉईल करेंगे। 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा और बस इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें सिर्फ इतना डालना है कि छोले से थोड़े से ये ऊपर आ जाए और अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे। 4 से 5 इसमें सीटी लगाएंगे और 4 से 5 सीटी लगने के बाद ये देखिए हमारे छोले बहुत ही बढ़िया से ये फूल चुके हैं। ये मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो पानी है इसको अलग कर देंगे और ये छोले हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें नमक डाल चुके हैं तो इसमें का हमें ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और इसमें मैं यहाँ पे पहले छोले डाल रही हूँ। जितने के आपको भी छोले बनाने हैं वो इसमें डाल लीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पे हम प्याज डाल लेंगे और यहाँ पे मैंने 1 टमाटर बहुत ही बारीक काट लिया है, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। 2 से 3 मैंने हरी मिर्च को बारीक काट लिया, वो भी हम इसमें डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे इसमें हम और बारीक कटा हुआ अदरक, जी हाँ ये अदरक की कतरन इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार आप इसको देख लीजिए। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच इसमें हम छोले मसाला डालेंगे और 1 हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। अगर नींबू ना हो तो उसके बदले आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ हरे धनिया की चटनी, मार्केट में यही यूज़ करते हैं जब वो छोले बनाते हैं। तो बस इसमें हम 1 बड़ा चम्मच हरे धनिया की चटनी डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और ये हमारे बिल्कुल बढ़िया से छोले बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसको हम पहले बाउल में डालेंगे। इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें और भी कुछ ऐड करने वाले हैं। तो बस यहाँ पे हमारे जो छोले हैं वो तो लगभग हमारे तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल मैं इसमें दोने में डाल रही हूँ, जैसे मार्केट में मिलता है ना, तो वही वाली फीलिंग लाने के लिए मैंने इसे दोने में डाल लिया है। और अब इसको हम थोड़ा सा सैलेड से डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे टमाटर डालेंगे, प्याज रखेंगे और 1 हरी मिर्च भी रख देंगे इसमें हम, और थोड़ा सा नींबू, और आप इसमें प्याज गाजर भी रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। तो चलिए अब बारी है इसको खाने के लिए। इसके साथ हम बनाएंगे कुलचे। तो कुलचे भी हम जल्दी से तवा गरम कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें बटर घी जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं और बस इसमें अब हम कुलचे सेकेंगे। तो दूसरी तरफ भी हम इसमें लगा देंगे घी और इसको भी हम सेकने पर पलट लेंगे। हल्का हल्का इसको हमें प्रेस कर लेना है और तवा हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, फिर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दीजिए। और ये देखिए कुलचा भी हमारा तैयार है। अगर आप कुलचे की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरह से हम दूसरा भी इस तरह से सीख लेते हैं और इसमें भी हम दोनों तरफ घी बटर लगा लेंगे और इस तरह से पलटते हुए इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है तो इस तरीके से हम बाकी भी इसी तरह से सेक लेंगे। और चलिए अब हम करते हैं सर्विंग प्रोसेस पे। तो टेस्टी टेस्टी हमारे छोले आ चुके हैं, गर्मा गर्म कुलचे भी आ चुके हैं, तो इसको एंजॉय कीजिए। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है फ्रेंड्स, मैं तो इसको एंजॉय कर रही हूँ। और चलिए बारी है इसको टेस्ट करके देखते हैं कि फाइनली हमारे ये कैसे बनके तैयार हुआ है। तो ये लीजिए बहुत ही सॉफ्ट से हमारे कुलचे हैं और ये टेस्टी से छोले, और इसको टेस्ट करके देखते हैं, मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स मैं तो इसको एंजॉय कर रही हूँ, आप भी इसको बना के ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने ब्यूटीफुल हाथों से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।